इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीडी फैमिली। कैसे हो लोग? तो अभी शाम के टाइम है, थोड़ा बाहर निकलना है, सब्जी वगैरह खरीदने है। हमारे यहाँ रोज़ रोज़ बारिश, कहीं कहीं जगह में फ्लड हो रहे हैं। पता नहीं हमारे यहाँ भी फ्लड होंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आज भी देखो, अभी भी बारिश आने वाली है। पूरा जो मौसम है ना, ऐसे अंधेरा हो रहा है। जो स्काई है ना, बहुत ज़्यादा काला हो रही है। बारिश आने की आशंका हो रही है, मतलब बारिश आएंगे लगता है। तो अभी थोड़ा वीडियो भी बनाना है, रोज़ रोज़ की काम है ये, तो बाहर निकलना पड़ता है। तो बारिश की वजह से जो भी टाइम मिलते हैं, जब भी बारिश बंद हो जाती है तो बाहर थोड़ा सा निकल के छूट करना पड़ता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के परेशान हो रहे हैं हमारे यहाँ। पूरा हमारी पूरा नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बारिश के बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं जगह में बहुत ज़्यादा फ्लड हो रहे हैं। हमारे यहाँ में भी हो रही है, आसाम, सिलचर, ऐसे मिजोरम, कहीं कहीं जगह में बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लड हो रहे हैं। गाइस, पता नहीं क्या होगा ये साल, तो क्या करेंगे। पता, पिछले साल तो कोरोना के इतने परेशान हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। तो ये साल पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो गाइस, देखते रहना हमारे चैनल को, सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना। अच्छा लगे तो जो नया वीडियो देख रहे आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहना गाइस, और भी नया और भी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊँगी। साथ दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहना प्लीज़ गाइस। देखो गाइस, अभी हम जा रहे हैं, बारिश आने वाला था। क्या खाना लेंगे? वॉक करने के लिए, इवनिंग टाइम के लिए सब आया हुआ है। देखो गाइस, यहाँ भी पानी भर गया, देखो तालाब में ना, पहले से ज़्यादा पानी भर गया। मुझे तो लगा और भी भरेगा, लेकिन ये तो कम लग रहा है। फिर भी भरेगा, और अभी बारिश होगी। वो ऑन नहीं किया, अभी ऑन नहीं किया, अभी शाम और रात के टाइम में ऑन करते हैं ना। अभी नहीं किया, ड्रेन के पानी के साथ मिक्स हो गया। हाँ देखो, यहाँ भी कचरा आ गया। अगर और चेंज नहीं बनाना है ना, हाँ छूट नहीं बनाना, चेंज दीजिए। तो ये बना, तो उधर पानी की तरफ भी दिखाओ। अभी रात नहीं है ना, इसलिए लाइट जलाई नहीं है। अगर यहाँ पे लाइट जला देते ना, कितने अच्छे लगते हैं। ये लाइट जला हुआ ही तो है ना, ना और भी उस तरफ भी जलाया ना, इस साइड की तरफ लगाया है। उस तरफ जो पीछे की तरफ है ना, वो नहीं लगाया है। तो रात को तो और भी सुंदर लग रहा है, सब घूमने के लिए आ जाते हैं। मुझे तो जैकफ्रूट तो पसंद नहीं है इतना। आम छोटे छोटे आम है यहाँ। ये क्या पेड़ है, इतने बड़ा सा पेड़ है ना। हाँ देखो, पानी यहाँ कितने गंदा पानी हो रहे ना, रोज बारिश बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी वजह से तो यहाँ पर ये सब होता है। आज भी आएंगे, देखो मौसम कैसे हो रहा है। अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, बस बस पहुँचने ही वाले। हाँ ये वही फील्ड है उस दिन जो हम गए थे ना, वो वाला है सामने का, वो आस्टोपर मार्ट को बोल रही हो। हाँ मार्ट उस तरफ आस्टोपर मार्ट है, हम रूट की तरफ पहुँच गए। आज तो इधर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर उस दिन थोड़ी ना जाएंगे। ओ मुख्य
देखो हरम रम मुई करा करा तो फ्रेंड्स देखो अभी हम जा रहे हैं घर में, रिक्शा के ऊपर है मम्मी ने बहुत सारा चीज़ें लिया आज, देख सकते हो बारिश की वजह से रोज बारिश आते हैं ना, फ्रूट खरीदने का मन कर रहा है मैंगो। अभी रिक्शा में है, हम नहीं खरीद सकते अभी, बाद में लो। तो अभी घर में चलते हैं, बारिश आने वाली है, हमारा घर तो पास में ही है। हाँ देखो अभी एकदम क्लाउड भी ब्लैक हो, सब डार्क हो गया है। हाँ ब्लैक नहीं, अभी इतना वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा लेकिन ऐसा है। देखो ये जूता का स्टोर, छोटे स्टोर है पास में। और ये स्पार्क्स एक रेस्टोरेंट है, ये बस घर में पहुंचने वाले हैं अब। कोई बड़ा कैटर सामने लगाए दिया कौन सामने, ये भी ये वो लाइन में दुकान का बस बस हम पहुंच गए, आ गए अभी घर में पहुंच गए। तो देखो फ्रेंड्स अभी मम्मी प्याज फ्राई करने वाले, यहाँ पर अनियन और वो सब मसाला सब डाल दिया ना। हाँ ये देखो यहाँ पर दो गार्लिक है, ये टमाटो है और ये आलू है, ये चिकन है, ये चिकन है, ये मशरूम भी डालूंगी, मशरूम के साथ बनाएंगे ये। ये मशरूम इतना टेस्टी है ना, बहुत ज्यादा ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मशरूम है, बहुत ज्यादा। इसका नाम क्या था, मखुमहा ब्लॉक। हाँ इसका ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है ना। आज फ्रेंड्स मैं मुकबंग करूंगी, आप लोग देखना। मेरी बेटी की मुकबंग के लिए फिर से चिकन लाना पड़ा, देखो हम दोनों के लिए लेग पीस भी हम लुट गए। हाँ बर्बाद हो गए, लेग पीस लाया है हम लुट गए हैं अभी, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है मुकबंग के लिए भी है। बाहर निकलते वक्त तो जैसे भी पैसा खर्च हो ही जाता है, जितना भी सेविंग करने की कोशिश करें पैसा नहीं है। देखो बाजार से क्या क्या लाए हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फ्लड हो रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा पूरा ट्रेन की जो रास्ता है ना वो सब टूट गया है, ब्रिज टूट गया है, पूरा फ्लड हो रहा है। इसलिए लोग बोल रहे हैं प्याज आलू जो बाहर से आती है वो खरीद के रखना, हाँ, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद के रखो नहीं तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अभी तो थोड़ी देर बाद तो अगर ऐसे आते रहेगा तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ना मिलना भी मुश्किल, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारे यहाँ भी हो ना जाए फ्लड, कहीं कहीं जगह कॉलेज के यहाँ भी हो रही है, जो वुमेन्स कॉलेज है हमारे यहाँ की जो कॉलेज है उसमें भी फ्लड हो रहे हैं, हमारे घर के पास ही हो रहा है ना उस तरफ। हाँ, उस तरफ हो रहा है, ये थोड़ा ऊंचा है। हाँ। इसलिए ये इस तरफ नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अभी तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आज भी बारिश आएंगे। हमने तो एक मेरी प्याज तीन किलो खरीद के लाया है, आलू तीन किलो, प्याज तीन किलो लाया है। आप लोग ने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा,
वो एक गाड़ी उल्टा हो गया था हाँ। वो हमारे यहाँ पर ही है, हमारे यहाँ की है ये हाँ। बहुत ज्यादा प्लाट हो रही है यहाँ पे, बाप आपको और भी वीडियो दिखा नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग ना, कुछ वो वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स वो सब ना हाँ, वो तो स्विमिंग करके जाना पड़ रहा है उन्हें तो, गंदे पानी में वो भी एकदम, मतलब तबीयत खराब हो जाती होगी ऐसे उसके बाद। इतनी बदबू रास्ते में भी, कचरा कचरा हो रहे, इतनी बदबू आ रही है, मुझे तो इधर से निकालने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी, ड्रेन का पानी भी मिक्स हो जाता है ना इससे हाँ, इसलिए बहुत परेशान हो गई। ठीक, कितना गंदा है, आज भी बारिश आएंगे, बादल पूरा ऐसे काला मतलब हो रही है, मौसम बिल्कुल खराब हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये हर साल का नाटक है, हमारे यहाँ तो ये हर साल का नाटक है ना मम्मी, रखा है हर साल ये सब होता है ना, हर साल होता, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो रही है हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे बाकी स्टेट में इतना ज्यादा नहीं आता, मतलब हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा रेन होता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, आसाम जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है पूरा फ्लड, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश आता है ना, लोगों को नहीं पता, साउथ में भी हो रहा है शायद बहुत ज्यादा भी। बैम्बू शूट भी काट रही है हमने, क्या है हमारा फेवरेट बैम्बू शूट, कल की सब का फेवरेट है, आज नहीं बनाऊंगी, कल के लिए है ये, आज काट के रख दूंगी, फिर इसमें तो कल बनाऊंगी हमेशा मेरे घर पे, तो ये जरूर नेक्स्ट मंथ में ना मम्मी प्लीज मेरे लिए वो बनाना, उमन के लिए वाघबान चाकी बनाना प्लीज। पोर्क मैं तो नहीं खाती, लेकिन ये खाती है ये दोनों, पोर्क मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती है तो इसलिए, लेकिन मम्मी का हाथ का आप खाना खाओगे ना तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। सबकी अपने अपनी मम्मी का हाथ, सबको पसंद आएगी हाँ। तब से मेरी शादी हुआ तब से मैंने खाना बना 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 के अभी थक चुकी हूँ, खाना इतने ज्यादा खाना बनाया, शादी से पहले तो मैं कुछ भी नहीं आता, कुछ भी खाना बनाना तक नहीं आता, चिकन बनाना भी नहीं आता, नहीं सिर्फ आलू की भुजिया बनाना आता है, आलू की भुजिया आलू का भुजिया हाँ। शादी से पहले जब से शादी हुआ तब से मैं खाना बना बना कर अभी तक मैं थक चुकी हूँ, एक दिन भी मिस नहीं हुआ, एक टाइम भी मिस नहीं हुआ खाना, इतनी खाना बनाना पड़ता है, इतनी खाना बनाना पड़ता है, ससुराल में तो और भी है, कम से कम 3-4 प्रकार के सब्जी बनाना पड़ता है, डिश बनाना पड़ता है हाँ, डिश बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ गाइस, खाना बना बना के एक दिन भी मिस नहीं हुआ, एक दिन भी, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं खाना बनाने के लिए ही जन्म हुआ है मन का बिल्कुल भी, कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना भी मन नहीं करता, बनाना भी मन नहीं करता, कभी कभी आलस हो जाती हो हाँ। तो अगर तबीयत थोड़ा खराब हो जाती तो बिल्कुल भी काम करना मन नहीं करता, फिर भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, अगर मैं नहीं बनाई तो बच्चों क्या खाएंगे, भूखे थोड़ी ना सुलाएंगे इनको, अगर मैं सोच कर बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं खाना तो बाप रे इतने बनाना पड़ता है मेरी ज़िंदगी में, मैं तो जब तक जिंदा हो तब तक खाना बना के ही जा मरना होगा, क्योंकि मेरे तो बेटा भी नहीं है, बहू आने बहू जब घर पे आएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, ऐसे भी नहीं है दोनों ही बेटी है, दोनों ससुराल चले जाएंगे तो मैं हम दोनों ही मेरे हस्बैंड मेरे हम दोनों ही रहेंगे, तो जब तक बूढ़ी हो जाएंगे जब तक जिंदा है चल कर सकते हो चल सकते हो तब तक तो बनाते रहो बस। रोज ब्रश करना पड़ता है, पड़ता ही है हाँ, हमारा रूटीन है हाँ, ब्रश नहीं करेंगे तो दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, कीटाणु भी हो जाते हैं, इसलिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो ब्रश कर लिया, खाना भी खा लिया देखो बारिश की वजह से है ना नाक बंद हो रहे, ये तो उनके तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी दवाई खाया है ये, तो गाइस अभी बस सोना है, एडिटिंग करना है, एडिटिंग करने के बाद बस सोना है,
तो जो जो लोग ने हम लोग को सब्सक्राइब किया है फिर से अनसब्सक्राइब कर लिया है, हाँ, बहुत सारे तो गाइस आप लोग हमारी फीलिंग के साथ खेल रही हो, ऐसे तो हमारी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा मत करो। अगर वीडियो को अच्छा नहीं लगे तो जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं बोल रहे, लेकिन मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करो। जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, आपको मन में होता तो करो, लेकिन अच्छा लगे तो करो, लेकिन अच्छा नहीं लगे तो मत करो, जबरदस्ती नहीं करो गाइस प्लीज। लेकिन ऐसे सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब करना, ये किसी की फीलिंग के साथ आप खेल रहे हो ना, ऐसा मत करो। बोलना कि सब्सक्राइब किया है क्योंकि हम अभी आप नया है, आप लोग हम अभी नया है, इसलिए आप लोग ऐसा करो। एक दिन हम लोग भी ऐसे ही पोजिशन में पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग भी हो जाएंगे। लेकिन जब भी मैं कितने भी यूट्यूबर बड़े हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, किसी के फीलिंग का साथ नहीं खेलूँगी। अगर मैं अच्छा नहीं लगे तो मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगी, लेकिन सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब नहीं, कभी भी नहीं करूँगी मैं आज तक किसी को फीलिंग के साथ कभी नहीं खेला हूँ मैं। तो ऐसा आप लोग भी मत करो। आप लोग को मैंने सिर्फ हेल्प मांगा है, एक सब्सक्राइब मांगा है, मैंने ज़्यादा पैसा वगैरह ये मेरे लिए वो करो या करो ऐसा कभी नहीं बोला। अगर आप लोग अच्छा लगे तो करो, अच्छा नहीं लगे तो मत करो, जबरदस्ती नहीं करो। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं बनाऊँगी, यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़ देखते रहना हमारे वीडियो को। अभी तो ऐसा बोलने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसा बोल के सब्सक्राइब, अगर वीडियो को अच्छा लगे करते हो तो फिर अनसब्सक्राइब करते हो तो बहुत बुरा लगता है गाइस, ऐसा मत करो। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।